स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट द सिलेबस फॉर फाइनल टर्म. सो ऑल ऑफ यू मेक द टाइटल ऑफ फाइनल टर्म इन योर कॉपी एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज़ परसेंट. सो यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर परसेंट ऑन नेक्स्ट पेज. दिस चैप्टर इज़ ऑन पेज नंबर 8. The exercise number 1 on page number 8 is what percent of a square is shaded. In this exercise you have to make 100 boxes. How will you make 100 boxes? You have to draw 10 vertical lines, that is column, and 10 horizontal lines, that is rows. 10 कॉलम्स बनाने हैं आपने, वर्टिकल लाइंस बनानी है, 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है. इस तरह से 100 बॉक्सेस बन जाएंगे. 100 बॉक्सेस आपने क्यों बनाए? परसेंट की मीनिंग होते हैं, सेंट मींस 100, परसेंट मींस आउट ऑफ 100. हमने इस चैप्टर में पढ़ना है आउट ऑफ 100 का क्या मीनिंग्स हैं. इफ़ 9 आउट ऑफ 100 बॉक्सेस आर शेडेड मींस 9 अपॉन 100 या 9 आउट ऑफ 100, इट्स मीन्स 9% ऑफ बॉक्सेस आर शेडेड. अगर 100 में से 9 बॉक्सेस शेडेड हैं तो हम इसका मतलब है कि 9% बॉक्सेस शेडेड हैं. परसेंट की साइन ये होती है, इस साइन से हम परसेंट को शो करते हैं. तो 9 और इसके बाद ये साइन हम लगाएंगे तो डेट इज़ 9%. एक्सरसाइज में दूसरी पिक्चर जो गिवन है उसमें 100 बॉक्सेस में ड्रॉ करने हैं और 32 यानी 1, 2, 3 कॉलम्स, जिसमें 10, 10, 10, 30 हो जाएंगे और 2 बॉक्सेस को और शेड करेंगे. ऑल टुगेदर दे आर 32 बॉक्सेस विच आर शेडेड. तो पूरे पिक्चर का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 32 अपॉन 100 यानी 32 आउट ऑफ 100 बॉक्सेस आर शेडेड. अब परसेंटेज में इसको हम कैसे लिखेंगे? 32 विद परसेंटेज साइन, यानी 100 में से 32% जो है हमारे बॉक्सेस शेडेड हैं. द थर्ड पिक्चर विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8 इन विच देयर आर 100 बॉक्सेस एंड आउट ऑफ 100 76 बॉक्सेस आर शेडेड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स को आप शेड करेंगे और उसके बाद 6 मोर बॉक्सेस. तो ऑल टुगेदर दे आर 76 बॉक्सेस विच आर शेडेड. और फ्रैक्शन क्या बनेगा? 76 अपॉन 100 यानी 76 आउट ऑफ 100. परसेंटेज बनेगी इसकी 76%. परसेंट की साइन साथ में लिखेंगे, इट्स मीन परसेंट की साइन का मतलब है आउट ऑफ 100. द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8 एक्सरसाइज ए इन विच 100 आउट ऑफ 100 बॉक्सेस 90 आर शेडेड. 90 बॉक्सेस शेडेड हैं, इसमें हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 90 अपॉन 100 या 90 आउट ऑफ 100 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 90%. दिस इज़ एक्सरसाइज ए. नाउ एक्सरसाइज बी. Exercise B is write as a fraction mixed number on or whole numbers. Question आपको दिया हुआ है परसेंट में, आपने उसको कन्वर्ट करना है या तो फ्रैक्शन में, या आंसर मिक्स नंबर में आएगा या फिर होल नंबर आंसर होगा. फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12%. परसेंट की साइन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में. परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. 12% मीन्स 12 आउट ऑफ 100 यानी 12 अपॉन 100. 12 अपॉन 100 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे हमने फ्रैक्शन की पहले पढ़ा था लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, डेट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. अब हम इसको एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. द न्यूमरेटर इज़ 12 एंड डिनोमिनेटर इज़ 100. हम डिवाइड दोनों को कर सकते हैं 2 से. 2 6 12, 250 is 100. Now the numerator is 6 and denominator is 50. Divide 6 and 50 again with 2, table of 2. 2 3s are 6 and 2 25s are 50.
3 इज न्यूमरेटर नाउ एंड 25 इज डिनोमिनेटर, दोनों एक ही टेबल से अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, सो इट इज द लोएस्ट टर्म, 3/25 इज द आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन डेट आई हैव सॉल्व फॉर यू इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 25%. अगेन परसेंटेज साइन मीन्स आउट ऑफ 100. 25 आउट ऑफ 100 यानी 25 डिवाइडेड बाई 100 या 25 अपॉन 100. अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हम यूज 25 को और 100 को डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से. 5 5s are 25, 5 20s are 100. अब 5 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया 20, उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अगेन 5 से. 5 1s are 5, 5 4s are 20. नाउ द न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 4. 1/4 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द वैल्यू इज 800%. परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, सो 800 आउट ऑफ 100 मीन्स 800 डिवाइडेड बाई 100, 800 अपॉन 100. इसको हम 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं. हम यूज़ करेंगे ईजिएस्ट वे, वो क्या होगा कि एंड में जो 0 0 है हम कैंसिल कर देंगे. 800 में भी 2 0 हैं, 100 में भी 2 0 हैं, तो 2 0 ऊपर न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे. अब वैल्यू क्या बच गई, न्यूमरेटर में 8, डिनोमिनेटर में 1. डिनोमिनेटर का 1 जो है वो शो नहीं किया जाता, इसलिए 8 इज ओनली द आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज 85%. 85% परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, दैट इज 85 अपॉन 100 यानी 85 डिवाइडेड बाय 100. हमने इसको डिवाइड किया है 5 के टेबल से. 5 17s are 85 एंड 5 20s are 100. नाउ द न्यूमरेटर इज 17, डिनोमिनेटर इज 20, जो फर्दर डिवाइड एक ही टेबल से नहीं होता, सो इट इज़ द आंसर. आपको यही मेथड यूज करते हुए होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज बी का, विच इज़ ऑन पेज नंबर 8. यू हैव टू डू क्वेश्चन एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी इन योर कॉपी, इन अरिथमेटिक कॉपी. थैंक यू.